please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवानी और अब आज की ताजा खबर। और मैं हूं जसप्रीत कौर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में नजर आए। इस बीच अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और सीएम योगी के औरंगजेब के बयान पर उन्हें घेरा और सवाल पूछा कि पिछले एक साल में यूपी में कितना काम हुआ। तो याद क्यों करते हो औरंगजेब को? हम केवल जानना चाहते हैं आपसे कि आपने बिना ऑक्सीजन के बच्चों को मरने दिया। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सीएम योगी ने जनता को धोखा देने का काम किया है। कोई मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती वो सदन में कहे कि मैं हिंदू हूँ, मैं ईद नहीं मनाता। इससे पहले गोरखपुर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर तंज कसा था और सवाल पूछा था कि क्या आप दोबारा औरंगजेब का शासन चाहते हैं? प्रदेश के अंदर हमें सुशासन चाहिए, प्रदेश के अंदर हमें विकास चाहिए, प्रदेश के अंदर हमें औरंगजेब का शासन नहीं चाहिए। साफ है कि यूपी में उपचुनाव को लेकर सियासी गर्माहट बढ़ी हुई है। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस की मौजूदगी में कुछ लोग सफेद चादर से ढकी अंबेडकर की मूर्ति को जमीन से निकालने लगे। आरोप है कि कुछ शरारती लोगों ने गांव की जमीन पर लगी अंबेडकर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया, लिहाजा अंबेडकर की मूर्ति को सफेद चादर से ढक दिया गया और मौके पर एसडीएम समेत पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए। अंबेडकर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की खबर के बाद मौके पर लोगों की भीड़ भी जुट गई। ऐसे में पुलिस ने पहले लोगों को समझाया और बाद में नई मूर्ति मंगवाकर उसे स्थापित करवा दिया। जो गांव के मौजूद सम्मानित लोग हैं वो लोग बैठे, उन्होंने कहा कि इस मूर्ति की जगह पर हम दूसरी मूर्ति लगा देंगे। नई मूर्ति लगाए जाने के बावजूद लोगों की नाराजगी कम नहीं हुई। आरोप है कि जिस जमीन पर मूर्ति लगी थी उसे लेकर दो पक्षों में काफी समय से विवाद चल रहा था, जिसका केस पहले से ही कोर्ट में चल रहा है। गांव वालों का आरोप है कि दूसरा पक्ष हर बार उनकी मूर्ति को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आरोप है कि पुलिस उनकी कोई मदद नहीं करती। हमारी बेइज्जती कर रही है, इसमें कोई सरकार हमारा कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। हालांकि हंगामा बढ़ने के बाद प्रशासन ने मामले में जांच का भरोसा देते हुए कार्रवाई की बात कही। वहीं त्रिपुरा, केरल और तमिलनाडु के बाद उत्तराखंड में हुए मूर्ति कांड के बाद सियासत तेज हो गई। इनमें दलित वोट बैंक पर नजर जमाए एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, जिन्होंने मूर्तियां तोड़े जाने की निंदा करते हुए सरकार पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। स्टैचू चाहे किसी का भी हो, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, इनको सजा दे तभी जाकर ये रुकने वाला है। वहीं लालू यादव ने मूर्तियां तोड़े जाने के लिए पीएम को जिम्मेदार ठहराया। नरेंद्र मोदी देश भर में तमाम मूर्तियों को ढहवा करके अपना मूर्ति लगाना चाहता है। जाहिर है मूर्तियां तोड़ने को लेकर बयानों की सियासत जारी है, लेकिन बेहतर होता कि इसे रोकने की कोशिश की जाती। यूपी में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। सुल्तानपुर में 50,000 के इनामी बदमाश अजय सिंह उर्फ अजय सिपाही ने आत्मसमर्पण कर दिया। अजय पर सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर समेत कई थानों में हत्या, रंगदारी समेत कई गंभीर धाराओं में तमाम मुकदमे दर्ज हैं। अभी हाल ही में पुलिस प्रशासन ने अजय सिपाही पर 50,000 का इनाम घोषित किया था। वहीं बागपत की एसओजी टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है। स्वाट टीम ने पश्चिम यूपी के मोस्ट वांटेड 1,00,000 के इनामी बदमाश अजीत हप्पू को गिरफ्तार कर लिया। 2 साल से पुलिस पकड़ से बाहर चल रहे कुख्यात बदमाश को स्वाट टीम ने राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। अजीत हप्पू पर लूट, रंगदारी, हत्या के कुल 26 मुकदमे दर्ज हैं। महाराष्ट्र के ठाणे की एक सड़क पर लाल टोपी पहने सैकड़ों किसानों के आगे दो किसान बीन बजाते दिखे। ये किसान कर्ज माफी के लिए हो रहे पैदल मार्च में शामिल हैं, जिसका मकसद मुंबई पहुंचकर विधानसभा का घेराव करना है। और नासिक से शुरू हुए पैदल मार्च में शामिल किसान नाचते गाते और बीन बजाते ठाणे जिले के शाहपुर तक आ पहुंचे। ये मार्च सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के किसान संगठन ऑल इंडिया किसान सभा की अगुवाई में हो रहा है, लिहाजा सीपीआई के झंडे के साथ लाल टोपी पहने किसानों के जमा होने से सड़क के किनारे लाल समंदर जैसा नजारा दिखने लगा। किसानों ने चेतावनी दी कि सरकार ने उनकी मांग न मानी तो मुंबई में लाखों किसान डेरा डाल देंगे। हम तो निकल पड़े हैं, महाराष्ट्र के गाँव-गाँव से किसान आएंगे, रैली में जुटेंगे और जो विधानसभा का घेराव होगा लाखों की तादाद में लोग जुटेंगे। इन किसानों की मांग बिना शर्त कर्ज माफी, बिजली बिल में छूट और माफी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करना और एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, क्योंकि ऑल इंडिया किसान सभा का दावा है कि महाराष्ट्र सरकार ने कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं किया, जिससे किसानों की खुदकुशी का सिलसिला नहीं थम रहा। किसानों का ये पैदल मार्च सोमवार तक मुंबई पहुंच जाएगा।
लेकिन सत्ताधारी बीजेपी का दावा है कि मार्च में शामिल ज्यादातर लोग किसान हैं ही नहीं और महाराष्ट्र से जो कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, कहीं ना कहीं किसानों को आगे करके वे अपने पार्टी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर विपक्ष भी सरकार को आईना दिखाने से पीछे नहीं हटा। लाखों की संख्या में जब किसान रस्ते पे उतर रहे हैं तो बिना नाराजगी के कोई थोड़ी रस्ते पे उतर। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने सरकार के रुख में नरमी के संकेत दिए। सभी किसानों को जो लोन जो है वो माफ करने का जो वादा किया है वो वादा पूरा करने का हम जरूर राज्य सरकार का करेगी। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि मार्च के मुंबई पहुंचने से पहले ही सरकार किसानों की कुछ मांगों को मान सकती है। राजस्थान में बच्चियों के गैंगरेप पर फांसी की सजा मिलेगी। राजस्थान विधानसभा में 12 साल तक की बच्चियों के रेप और गैंगरेप करने वालों को फांसी की सजा देने वाला ऐतिहासिक बिल पास हो गया। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने राज्यसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल से कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को समर्थन देने का ऐलान किया। यूपी के सुल्तानपुर में बिजली विभाग ने करोड़ों के बकाया बिल का भुगतान न करने के आरोप में कई सरकारी विभागों की बिजली काट दी। बिहार में शराबबंदी के बावजूद पुलिस ने जमुई में एक कार से बड़ी मात्रा में शराब की खेप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार के हाजीपुर में एक शहीद के परिवार ने मुआवजे का चेक नाकाफी बताकर लौटा दिया था, जबकि जांच में पता चला कि चेक सरकारी खजाने में नहीं पहुंचा और राशि का भुगतान हो गया। कांग्रेस ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर जोड़ने और डेटा तैयार करने के लिए राजस्थान समेत देश भर में प्रोजेक्ट शक्ति लॉन्च किया। विपक्ष को एकजुट करने के लिए सोनिया गांधी की 13 मार्च को होने वाली डिनर पार्टी में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी हिस्सा लेंगे। मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में पुलिस ने दिल्ली के सिविल लाइन्स थाने में जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक प्रवीण कुमार से 5 घंटे तक पूछताछ की। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने विधानसभा में ऐलान किया कि स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से भावनगर जिले में अब न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट नहीं बनाया जाएगा। मशहूर सूफी गायक पद्मश्री पूर्णचंद वडाली के छोटे भाई प्यारे लाल वडाली का दिल का दौरा पड़ने से अमृतसर के एक अस्पताल में निधन हो गया। खबर है कि बोनी कपूर श्रीदेवी की जिंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले हैं, जिसे शेखर कपूर डायरेक्ट कर सकते हैं। मॉडल अर्शी खान पर 40,000 रुपए न चुकाने का आरोप लगाने वाले पुजारी पर अर्शी खान ने यौन शोषण का केस दर्ज करवाया। दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में कुछ पुलिस वाले एक पीसीआर वैन की जांच करते नजर आए। आरोप है कि इसी पीसीआर वैन के अंदर एक एएसआई ने खुद को सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार दी, जिसके बाद गंभीर हालत में एएसआई हनुमान सहाय को आरएमएल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 52 साल के हनुमान सहाय पिछले कुछ सालों से डिप्रेशन में चल रहे थे। कई बार वो नौकरी छोड़ने की बात कर चुके थे और शुक्रवार को ड्यूटी के समय कश्मीरी गेट इलाके में उन्होंने अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार दी। वहाँ स्टाफ है, उन्होंने बताया, उनका वर्सन है कि डिप्रेशन का कुछ मामला है। एएसआई हनुमान साहेब बुराड़ी के संत नगर में रहते थे, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली के लाजपत नगर में सीएम अरविंद केजरीवाल कारोबारियों के बीच नजर आए। केजरीवाल सीलिंग के मुद्दे पर व्यापारियों का समर्थन करने पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ उनकी लड़ाई में पूरा साथ देने का भरोसा दिया। इस दौरान उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया, अगर 31 मार्च तक सीलिंग का समाधान नहीं निकला तो केजरीवाल भूख हड़ताल पे बैठेगा। केजरीवाल की बात सुनकर उनके सामने मौजूद व्यापारी उनसे मदद की गुहार लगाने लगे। इससे पहले काफी तादाद में व्यापारी सीलिंग के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करने सड़क पर उतरे। केजरीवाल के आते ही वो अपना दर्द उनके सामने बयां करने लगे। इस दौरान मुख्यमंत्री सबकी शिकायत सुनते रहे। शिकायत सुनने के बाद केजरीवाल ने केंद्र से सीलिंग पर अध्यादेश लाने की अपील की। यही नहीं, उन्होंने दिल्ली विधानसभा से प्रस्ताव पास कराने का भी भरोसा दिया। लेकिन इसी दौरान भीड़ में मौजूद कुछ लोग उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी का जवाब देने के लिए फौरन आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मोर्चा संभाला। हंगामे के बीच अरविंद केजरीवाल ने व्यापारियों को सीलिंग के मुद्दे पर पीएम मोदी को भी चिट्ठी लिखने का भरोसा दिया। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एक बार फिर पाकिस्तान की पोल खुली। जिनेवा में 37वें मानव अधिकार सेशन में बलोच नेताओं ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। विश्व मंच पर पाकिस्तान को बलूचिस्तान में मानव अधिकारों के उल्लंघन का जिम्मेदार माना। बलूच रिपब्लिकन पार्टी के अब्दुल नवाज बुख्ती ने कहा कि बलूचिस्तान में स्थिति खतरनाक है और दुनिया को इस मामले में दखल देना चाहिए, क्योंकि वहां पर लोगों को गायब कर दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। आ जाएंगे इन बलूचिस्तान,
I would like to highlight the burning human rights situation in Baluchistan, where massive violations of basic human rights are taking place on a daily basis. Pakistani security forces abduct, torture, and kill Baloch political activists and civilians on daily routine. INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कार्ति चिदंबरम पेशी के लिए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में एक बार फिर एक हाथ की मुट्ठी हवा में लहराते हुए अंदर गए। कोर्ट में कार्ति के रिमांड को लेकर जोरदार बहस हुई, जिसके बाद अदालत ने कार्ति के रिमांड 3 दिन और बढ़ा दिए। लेकिन इससे पहले कोर्ट पहुंचे कार्ति के तेवर तल्ख नजर आए। सीबीआई की तरफ से जिरह कर रहे वकील तुषार मेहता ने कार्ति चिदंबरम की रिमांड 6 दिन और बढ़ाने की मांग करते हुए कोर्ट को बताया कि सीबीआई ने 7 और 8 मार्च को आरोपियों से जुड़े दफ्तर पर रेड की, जिसमें सीबीआई को कई अहम दस्तावेज मिले और 4 हार्ड डिस्क मिली, जिनको एफएसएल जांच के लिए भेजा गया है, जिनसे बड़ा खुलासा हो सकता है। ऐसे में सीबीआई को आरोपी कार्ति और उनके सीए भास्कर रामन को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। तुषार मेहता की तरफ से रिमांड के लिए ये दलील भी दी गई कि अभी तक आरोपी ये कह रहा था कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सीबीआई की रेड में बरामद दस्तावेजों से आरोपी के तार जुड़ते हैं, लिहाजा आरोपी कार्ति चिदंबरम से पूछताछ करने के लिए सीबीआई को 6 और दिन की रिमांड चाहिए, जिसका कार्ति के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने विरोध किया। और कोर्ट में सीबीआई जांच पर सवाल उठाते हुए दलील दी गई कि सीबीआई रोज कोई ना कोई बहाना लेकर आती है कि उन्हें रिमांड चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्हें अब देश के लिए चिंता हो रही है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी एजेंसी कह रही है कि दफ्तर सीक्रेट था। इसका मतलब सीबीआई ठीक से जांच नहीं कर रही या फिर सीबीआई कुछ नहीं कर रही। कार्ति के वकील ने ये दलील भी दी कि सीबीआई को अगर आरोपी का दफ्तर पता लगाने में 1 साल लग गया, जो कि रजिस्टर्ड है, इसका मतलब सीबीआई को 10 साल लगेंगे इस मामले की जांच के लिए, लिहाजा सीबीआई को कार्ति की रिमांड नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी ने कार्ति के ब्लड प्रेशर का हवाला देते हुए कोर्ट से उन्हें बेल देने की मांग की, जिसका सीबीआई के वकील तुषार मेहता ने विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि आरोपी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। चार्टर्ड अकाउंटेंट और कार्ति चिदंबरम को आमने सामने बैठा कर पूछताछ करना चाहती है और इस लिहाज से कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला कुछ देर के लिए सुरक्षित रख लिया और फिर थोड़ी देर बाद कार्ति की रिमांड 3 दिन बढ़ाते हुए 12 मार्च तक कर दी। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट से कार्ति चिदंबरम को ईडी की गिरफ्तारी से राहत जरूर मिली। देश के कई इलाकों में मूर्ति तोड़े जाने की घटना पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि महापुरुषों की मूर्तियों को तोड़ने वाले हरगिज देशभक्त नहीं हो सकते। नीचे स्तर पर हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने इसकी निंदा की है, मुख्य विपक्ष ने इसकी निंदा की है, सभी राजनीतिक दलों ने इसकी निंदा की है, मैं स्वयं इसको निंदनीय मानती हूँ। लेनिन की मूर्ति तोड़ देने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता है, श्यामा प्रसाद जी की मूर्ति को बचा लेने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता है, या तोड़ देने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखे हमले किए। एक निजी चैनल के कार्यक्रम के दौरान सोनिया गांधी ने दावा किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी होगी। यही नहीं, कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार को जुमलों की सरकार करार दिया। इसके अलावा सोनिया गांधी ने यह भी दावा किया कि इंडिया शाइनिंग की तरह अच्छे दिन के नारे को भी जनता नकार देगी। इसी कार्यक्रम में सोनिया गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई गई। कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि पार्टी ने चाहा तो वो 2019 का चुनाव लड़ सकती है। मोदी सरकार अब जुमलों की सरकार है। मोदी सरकार एक दिन में 100 झूठ बोलती है, 1000 झूठ छुपाने के लिए, और झूठ बोलो ताकि और झूठ छुपाए जा सके, यही प्रधानमंत्री जी का चाल चेहरा और चरित्र बन गया है। सोनिया गांधी के संसद में विपक्ष को नहीं बोलने देने के आरोपों पर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी सामने आकर जवाब दिया। All of you see what is the condition. Even myself, nobody is allowing me to speak. यूपी के गाजियाबाद में 28 कैदियों के एचआईवी पॉजिटिव होने का मामला सामने आया है। गाजियाबाद की डासना जेल में इन कैदियों का इलाज किया जा रहा है, बाकी कैदियों की भी जांच की जा रही है। ये जो 27 जो एचआईवी पॉजिटिव गाजियाबाद जेल में हैं, कैदी हैं हमारे, इनका हमारे यहाँ नियमित रेगुलर चेकअप होता है। जो इसके स्पेशलिस्ट हैं एचआईवी की, जो एआरटी सेंटर हमारे यहाँ जो जिला चिकित्सालय है वहाँ है, वहाँ पूरी सारी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं और दवाइयाँ पूरी निःशुल्क दी जाती हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली में कई लोग सफेद रंग की शर्ट पहने एक आदमी को बुरी तरह पीटते नजर आए। ये लोग टीएमसी कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, जिनकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति का शुद्धिकरण करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं से एक बार फिर झड़प हो गई, जिसके बाद सरेआम जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने शुद्धिकरण करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक को पकड़ लिया और फिर उसे जमकर पीटा। हालांकि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने अपने साथी को बचाने की कोशिश की, लेकिन टीएमसी कार्यकर्ताओं के आगे उनकी एक न चली। टीएमसी कार्यकर्ताओं से बचने के लिए मार खा रहा बीजेपी कार्यकर्ता बाजार के गलियारे में घुस गया।
फिर भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस दौरान बाजार में मौजूद लोग तमाचबीन बने रहे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से काफी देर तक हंगामा होता रहा। हालांकि हंगामे से पहले बीजेपी कार्यकर्ता दूध और गंगा जल से कतार में लगी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्तियों का शुद्धिकरण कर चुके थे। कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्टैचू को उन लोगों ने अपवित्र किया है, तोड़ा है, उनके सम्मान रक्षा के लिए गंगा जल और दूध से उसका अभिषेक करें। टीएमसी कार्यकर्ताओं के इस रवैये के बाद बीजेपी ने एक बार फिर राज्य सरकार को निशाने पर लिया और बंगाल में आज जो स्थिति है, वास्तव में यहाँ विरोधियों की कोई सम्मान नहीं है। गुरुवार को भी कोलकाता में शुद्धिकरण कार्यक्रम के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई थी। संसद भवन परिसर में सिर पर साफा बांधे और हाथ में पोटली वाली लाठी पकड़े टीडीपी के सांसद एन शिवप्रसाद अचानक सीटी बजाने लगे। एन शिवप्रसाद ने सीटी बजाकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पर प्रदर्शन किया। इसके बाद शिवा प्रसाद अपने बाकी साथियों के पास पहुंचे और वहां भी अपनी मांगों को लेकर नारे लगाने लगे। विशेष राज्य के मसले पर टीडीपी कोटे के दो मंत्री केंद्र सरकार से इस्तीफा दे चुके हैं और टीडीपी ने साफ किया कि वो अपनी मांग से पीछे नहीं हटेगी। The second step is going on. Rajyasabha will not allow to continue. Chandrababu Naidu and all political leaders discussion and taken an appropriate time. हालांकि टीडीपी सरकार छोड़ देने के बाद भी अब तक एनडीए में बनी हुई है और सूत्र दावा कर रहे हैं कि वो केंद्र पर अपनी मांगे मान लेने का दबाव बना रही है। वहीं आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर वाईएसआर कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाला और उसके सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर संसद भवन के परिसर में नारेबाजी की। इस दौरान वाईएसआर कांग्रेस के सांसद विजय साई रेड्डी ने टीडीपी और सीएम चंद्रबाबू नायडू पर राजनीति करने के आरोप लगाए। When they have resigned from the cabinet and lost the confidence, they should also come out of NDA. हालांकि बीजेपी ने इस मुद्दे पर सफाई देते हुए वाईएसआर कांग्रेस और कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया तो वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मुद्दे को चर्चा से सुलझाने की बात कही। टीडीपी ने स्वयं कहा कि एनडीए नहीं छोड़ रहे हैं, उनकी नाराजगी है, वो बैठकर चर्चा हो जाएगी। टीडीपी का सारा विरोध आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने की वजह से है, लेकिन जानकारों का दावा है कि इस विरोध की असल वजह अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव है। अमेरिका और उत्तर कोरिया के तनावपूर्ण रिश्तों के बीच सुलह की उम्मीद दिखने लगी है। अपने बयानों से एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बीच मुलाकात की तैयारी होने लगी है। इसकी बड़ी वजह यह है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मुलाकात का न्योता दिया है। ट्रंप ने इस न्योते को स्वीकार कर लिया है और मई में किम जोंग उन से मुलाकात के संकेत दिए हैं। उत्तर कोरिया से रिश्तों में आ रहे इस बदलाव की जानकारी दक्षिण कोरिया के एनएसए चंग्यू योंग ने व्हाइट हाउस में दी। चंग्यू योंग ने अमेरिका को ट्रंप से किम जोंग उन की मुलाकात का प्रस्ताव दिया। दक्षिण कोरिया के एनएसए चंग्यू योंग ने बताया कि उत्तर कोरिया परमाणु हथियार खत्म करने को तैयार है। ट्रंप ने ट्वीट कर इसका स्वागत किया लेकिन यह भी लिखा कि समझौता होने तक उत्तर कोरिया पर लगे प्रतिबंध जारी रहेंगे। मारपीट कांड में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल को राहत मिल गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से मारपीट के मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल को शर्तों के साथ जमानत दे दी। प्रकाश जारवाल जो एमएलए हैं उनको आज कोर्ट ने जमानत दे दी है, कुछ कंडीशंस कोर्ट ने इम्पोज की हैं। एआईएडीएमके के सांसदों ने संसद परिसर में कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड के गठन की मांग को लेकर दूसरे दिन भी प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय केंद्र सरकार ने 2.5 रुपए में महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन मुहैया कराने का ऐलान किया। केंद्र सरकार ने शोपियां में 3 लोगों के मौत के मामले में मेजर आदित्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक दारोगा का शराब पीने का वीडियो वायरल हो गया। राजस्थान के जयपुर में एक लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में भीड़ पर एक आरोपी की पिटाई करने का इल्जाम लगा। हरियाणा के पशुपालन मंत्री ओपी धनखड़ ने राज्य को आवारा पशुओं से मुक्त कराने के लिए कृत्रिम गर्भाधान से सिर्फ बछिया ही पैदा होने वाली तकनीक पर काम होने की बात कही। किसानों और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 23 मार्च से आंदोलन शुरू करने जा रहे समाजसेवी अन्ना हजारे ने आरोप लगाया कि उन्होंने पिछले 4 साल में मोदी सरकार को 43 खत लिखे जिन पर कोई कदम नहीं उठाया गया। किसान, लोकपाल, लोकायुक्त, जनता के भलाई के प्रश्न को लेकर आंदोलन कर रहा हूं। बिहार से राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर CPIML ने साफ कर दिया कि NDA को रोकने के लिए उनके 3 विधायक RJD और उसके समर्थन वाले प्रत्याशी को वोट करेंगे। कर्नाटक के बेंगलुरु में लोकायुक्त विश्वनाथ शेट्टी पर हुए हमले के मामले में राज्य सरकार ने DCP योगेश को सस्पेंड कर दिया।
बीजेपी नेता राम माधव ने त्रिपुरा के पूर्व सीएम माणिक सरकार के अपने पद से इस्तीफा देकर तुरंत सरकारी आवास छोड़ने के फैसले की तारीफ करते हुए दूसरे नेताओं को भी इससे सीख लेने को कहा। यूपी में बांदा में एक मदरसे में एक पुलिस वाला लोगों की भीड़ को पीछे हटने का इशारा करता दिखा, क्योंकि दिल्ली से एनआईए की टीम इस मदरसे पर छापा मारने पहुंची, जिसकी जानकारी मिलते ही जामिया अरबिया मदरसे के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुट गई, जिसे एनआईए की टीम के साथ पहुंचे पुलिस वाले अंदर जाने से रोकने लगे, जिससे नाराज लोगों ने मदरसे के बाहर हंगामा शुरू कर दिया और पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया। पुलिस वालों के द्वारा बदतमीजी की गई यहाँ पे। हालांकि बाद में मदरसे से जुड़े लोगों ने भीड़ से शांत रहने की अपील की। सूत्रों का दावा है कि एनआईए की टीम कश्मीर के रहने वाले जामिया अरबिया मदरसे के पूर्व छात्र आसिफ को लेकर वहां पहुंची थी। आसिफ को कुछ दिन पहले एनआईए ने संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसके मोबाइल फोन और लैपटॉप से मिली जानकारी की जांच के लिए एनआईए ने मदरसे पर छापा मारा और मदरसे में पढ़ रहे 8 कश्मीरी छात्रों समेत दूसरे लोगों से पूछताछ की। कहाँ के बच्चे, कितने हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कितने दिनों से हैं, उनकी आईडी देखा, यही सब जांच कर रहे हैं। करीब 8 घंटे की जांच के दौरान जुटाए गए दस्तावेजों और आरोपी आसिफ को लेकर एनआईए की टीम दिल्ली लौट आई। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव का दीव देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जो अपनी जरूरत की बिजली सौर ऊर्जा से पैदा करता है। यह दावा दमन और दीव के बिजली विभाग ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट के मुताबिक दीव जिला बिजली के लिए गुजरात पर निर्भर नहीं है। दावा है कि पिछले 3 साल में दीव जिला सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा। महज 42 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले इस जिले में 2 बड़े सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं, जिनसे 56,000 की आबादी वाले पूरे जिले में बिजली की सप्लाई होती है। इससे पहले दमन और दीव में पावर ग्रिड से बिजली जाती थी, इसमें लाइन लॉस और वक्त की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन इसके बाद वहाँ सौर ऊर्जा को नया विस्तार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक दीव में बिजली की मांग रोजाना 9 से 10 मेगावाट है, जबकि दीव में लगाए सोलर पावर प्लांट से फिलहाल रोजाना 10.5 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। सोलर पावर प्लांट से बिजली का उत्पादन उपभोक्ताओं के लिए भी किफायती साबित हुआ है, क्योंकि वहां के बिजली विभाग ने पुरानी प्रक्रिया में बदलाव करके 50 यूनिट के स्लैब को खत्म कर दिया है, जिसके बाद अब 1 से 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर ग्राहकों से 1 रुपये 1 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से चार्ज लिया जाता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दीव की सफलता के बाद अब दमन में भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिजली विभाग इमारतों की छतों पर लगाए जाने वाले सोलर पैनल के जरिए बिजली का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रहा है। वहीं दमन और दीव में पवन ऊर्जा की मदद से भी बिजली बनाने की योजना है, जिसे केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही हरी झंडी दी जा चुकी है। हरियाणा में गोहाना में एक सरकारी अस्पताल के बाहर कुछ लोग एक महिला की मेडिकल रिपोर्ट दिखाते नजर आए। इन लोगों ने आरोप लगाया कि 7 जनवरी को इस अस्पताल में उनके परिवार की एक महिला का ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने उसके पेट में पट्टी का एक टुकड़ा छोड़ दिया, जिसके बाद महिला करीब 2 महीनों तक दर्द से तड़पती रही। दावा है कि महिला के परिवार वालों ने एक निजी अस्पताल में उसकी जांच कराई, जिसमें पेट के अंदर पट्टी का टुकड़ा होने का पता चला। डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आने के बाद महिला के परिवार वाले अस्पताल के बाहर जुटे और अस्पताल प्रशासन को अपनी शिकायत दी। इसके बाद अस्पताल में महिला के पेट से पट्टी का टुकड़ा निकालने के लिए ऑपरेशन भी किया गया। प्राइवेट बाहर अल्ट्रासाउंड कराई मैंने, तो वहाँ पे इसको वो मिली है जी, कॉटन मिली है, अंदर पट्टी मिली है। लेकिन अस्पताल प्रशासन ने आरोपों को नकारते हुए ये दावा किया कि उनके अस्पताल में डिलीवरी के बाद ऑपरेशन की सुविधा ही नहीं है। ऐसे में डॉक्टरों पर लगे आरोप झूठे हैं। हमारे यहाँ ऑपरेशन का कोई साधन नहीं है, गर्भाशय ऑपरेशन करने का, ना पहले कभी गर्भाशय का ऑपरेशन हुआ ना अब साधन है, तो ऑपरेशन जब गर्भाशय का हुआ ही नहीं तो टुकड़ा रहने का तो सवाल ही पैदा। हालांकि लोगों के दबाव को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने मामले की जाँच का भरोसा दिया है। धरती के सौर मंडल से बाहर 3 नए ग्रहों के मिलने का दावा किया गया है। तीनों ग्रह एक छोटे सितारे के चक्कर लगा रहे हैं। साल 2017 में इन ग्रहों के होने की बात साल 2017 में भी की गई थी, लेकिन अब अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों ग्रहों से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां भी दी हैं, जिस पर सौर मंडल की बात हो रही है वो धरती से 100 लाइट ईयर दूर है। 1 साल में रोशनी जितना फासला तय करती है उसे 1 लाइट ईयर कहा जाता है। 100 लाइट ईयर का मतलब करीब 950 लाख करोड़ किलोमीटर है। दिलचस्प यह है कि ये तीनों ही ग्रह जिस तारे के चक्कर लगा रहे हैं उसका आकार सूर्य से काफी कम है। इस तारे की पहचान के लिए वैज्ञानिकों ने इसे GJ9827 नाम दिया है। पहचान के लिए तीनों ग्रहों को ए, बी और सी का नाम दिया गया है, जिन्हें सुपर अर्थ भी कहा जा रहा है। ए ग्रह का आकार धरती से करीब 20% बड़ा है, बी का आकार धरती से करीब 60% ज्यादा है और सी धरती से दुगने से भी ज्यादा बड़ा है। तारे का आकार छोटा होने और ग्रहों की रफ्तार ज्यादा होने की वजह से ये ग्रह बहुत ही कम वक्त में तारे का चक्कर पूरा कर लेते हैं। ए ग्रह को एक चक्कर पूरा करने में केवल 1.25 दिन का वक्त लगता है। बी ग्रह एक चक्कर करीब 3.5 दिन में पूरा करता है और सी ग्रह यही चक्कर पूरा करने में करीब 6.25 दिन का वक्त लगा देता है। माना जा रहा है कि
इन ग्रहों पर जीवन के लिए जरूरी ऊर्जा मौजूद है, इसीलिए वैज्ञानिकों की कोशिश है कि इन ग्रहों पर मौजूद पर्यावरण पर रिसर्च तेज की जाए। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र विधानसभा में बजट पेश होने के बाद विपक्ष ने जनता को कुछ न देने का आरोप लगाते हुए फडणवीस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्नाटक पुलिस ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया। दिल्ली में संसद मार्ग पर लेफ्ट पार्टियों ने हिंसा और मूर्ति तोड़े जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के पास एक पुलिसकर्मी का शव मिलने के मामले में पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में खाद्य विभाग की टीम ने मिलावट के शक में एक तेल कंपनी पर छापेमारी की। खबर है कि हितों के टकराव के मामले में राहुल द्रविड़ ने बीसीसीआई को खत लिखकर सफाई दी कि बेंगलुरु में बने पाडुकोन द्रविड़ सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस में उनका कोई मालिकाना हक नहीं है। पूर्व स्पिनर बिशन सिंह बेदी ने आर अश्विन और रविंद्र जाडेजा को भारत का नंबर एक गेंदबाज बताते हुए दावा किया कि 2019 विश्व कप में भारतीय टीम को उनके अनुभव की जरूरत होगी। कार्यकाल खत्म होने के बाद भी पद पर बने रहने के मामले में COA यानी कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ने BCCI के कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी और IPL चेयरमैन राजीव शुक्ल समेत बोर्ड के कई मौजूदा पदाधिकारियों की बर्खास्तगी की सिफारिश की। लखनऊ में एक इंटरसिटी बस के पास लोगों का हुजूम नजर आया। ये बस बेकाबू होने के बाद कई गाड़ियों से जा भिड़ी जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा कई लोग जख्मी हुए जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि लखनऊ के हजरतगंज से चारबाग इलाके की ओर जा रही इस बस ने पहले एक कार को टक्कर मारी, इसके बाद बस की चपेट में एक साइकिल सवार आया। मौके से मिली CCTV फुटेज में दिखा कि एक आदमी बस की टक्कर से फुटपाथ पर जा गिरा। इसके अलावा बस ने एक स्कूटी को भी टक्कर मारी जिस पर एक महिला सवार थी। भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। मैंने गाड़ी तुरंत रोकी, पहले मैंने ड्राइवर को पकड़ा जाके, ड्राइवर भाग न जाए, ड्राइवर को पकड़ के चौराहे के उस तरफ जो है पुलिस की जीप खड़ी थी, तो ड्राइवर को आपने पुलिस के हवाले मैंने कर दिया। बताया जा रहा है कि इंटरसिटी बस में कई यात्री भी मौजूद थे, लेकिन टक्कर के बाद उन सभी को सही सलामत बस से निकाल लिया गया। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन इससे पहले नाराज लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया और इंटरसिटी बस में तोड़फोड़ की। पुलिस की टीम ने समझा बुझाकर लोगों को शांत किया और एहतियातन इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। फिर भी कई घंटों तक लोगों की भीड़ सड़क पर जुटी रही। बस की टक्कर से जख्मी हुए लोगों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। हालांकि इलाज के दौरान दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस इस मामले में केस दर्ज करके कार्रवाई में जुटी है। बिहार की आरा जेल में एक कैदी मोबाइल पर बात करता दिखा जिसका वीडियो News18 इंडिया को मिला। आरा जेल के ऐसे तमाम वीडियो सामने आए जिनसे साफ होता है कि जेल में कैदियों को गैर कानूनी सुविधाएं मिलती हैं और वो खुलेआम नशेबाजी करते हैं, जिसका बड़ा सबूत News18 इंडिया को मिला। ये वीडियो है जिसमें एक कैदी बेफिक्र होकर मोबाइल फोन पर बात करता दिखा। एक और वीडियो में काली टी शर्ट पहने हुए एक कैदी नारंगी शर्ट पहने कैदी के पास से गुजरा, लेकिन वो भी बिना किसी डर के फोन पर बात करता दिखा। जेल में अपराधियों की मौज के सबूत का एक वीडियो ये भी है जिसमें कैदी खुलेआम तंबाकू खाते दिखे। वहीं एक वीडियो में एक कैदी बेखौफ होकर चिलम से नशा करता भी दिखा। आरा जेल के ऐसे तमाम वीडियो सामने आए हैं जिन्हें देखकर जेल जेल नहीं लगती बल्कि कैदियों की ऐशगाह नजर आती है। महाराष्ट्र के आर्थिक सर्वे में दावा किया गया है कि राज्य की GDP विकास दर में बड़ी गिरावट हो सकती है। अप्रैल 2017 से मार्च 2018 के बीच राज्य की GDP बढ़ने की दर केवल 7.3 रहने का अनुमान है, जबकि इसके एक साल पहले राज्य की GDP 10% की दर से बढ़ी थी। आर्थिक मोर्चे पर राज्य का ये धक्का खेती के मोर्चे पर लगा है राज्य को, क्योंकि कृषि के विकास की दर इस साल नेगेटिव रहने का अनुमान है। इस साल कृषि का विकास -8.3% की दर से हो सकता है, जबकि इससे माफ कीजिएगा माइनस है वो 8.3 जो अभी आपको ग्राफिक्स में दिखा, 8.3 नहीं है -8.3, जबकि इससे एक साल पहले कृषि के विकास की दर 22.5% रही थी। खेती के मोर्चे पर राज्य को हुए नुकसान की वजह खराब मानसून बना, क्योंकि बीते साल महाराष्ट्र में मानसून सामान्य का करीब 84% ही रहा। इसका खमियाजा राज्य की सरकार को भी उठाना पड़ा और राज्य की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरती दिखाई दी। इसके अलावा किसानों का कर्ज माफ करने के लिए सरकार को भारी भरकम बोझ उठाना पड़ा, जिससे राजकोषीय घाटा 4,00,000 करोड़ के पार जाने का अनुमान है। हालांकि खेती के मोर्चे पर राज्य को धक्का लगने के बावजूद महाराष्ट्र की GDP बढ़ने की दर 7.3% रह सकती है, जो कि देश की GDP विकास दर से ज्यादा है। त्रिपुरा के अगरतला में नए मुख्यमंत्री बिप्लब देव शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले मिलते नजर आए। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में बिप्लब देव ने अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ ली और फिर उन्होंने मंच पर मौजूद PM मोदी के पैर छुए।
हालांकि खुद प्रधानमंत्री ने बिप्लब देव को उठाया और गले लगाकर उनकी पीठ थपथपाई। शपथ ग्रहण के बाद बिप्लब देव ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। दुनिया के लोगों को दिल में बसता है ऐसे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं नमन करता हूँ। त्रिपुरा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल के नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार के साथ बैठे नजर आए। माणिक सरकार से मिलने खुद प्रधानमंत्री भी गए और फिर उन्हें बुलाकर मंच के पीछे ले गए, जहां उन्होंने थोड़ी देर माणिक सरकार से बात की और फिर नए मुख्यमंत्री बिप्लब देव को भी मंच के पीछे बुलाया। इस दौरान बिप्लब देव ने माणिक सरकार के भी पैर छुए और फिर थोड़ी देर बातचीत के बाद तीनों नेता मंच पर वापस आ गए। इसके बाद पहले अमित शाह ने शपथ ग्रहण में आए लोगों को संबोधित किया, फिर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में सबसे पहले नई सरकार को बधाई दी। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी नई टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लगे हाथ पीएम ने विकास के लिए नई सरकार को पुरानी सरकार के अनुभव से मदद लेने की सलाह भी दी। जो विपक्ष में है उनके पास अनुभव है, जो सत्ता पक्ष में आए हैं उनके पास उत्साह है, उमंग है, सपने हैं। त्रिपुरा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है, लिहाजा इस शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री और गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे, जिन्होंने त्रिपुरा की नई सरकार को बधाई देने के साथ इस जीत के लिए प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष की तारीफ की। ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उन पर विश्वास, एक नेतृत्व, एक बड़ा हमारे पास नेतृत्व है। नई सरकार के वजूद में आने के साथ ही न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में राज्य के उप मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार का एजेंडा साफ किया। त्रिपुरा में डेवलपमेंट लाना सचमुच। उप मुख्यमंत्री ने राज्य में हाल में हुई मूर्ति तोड़ने की घटनाओं की निंदा की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। पंजाब के होशियारपुर में लोगों ने एक आदमी के कपड़े उतार कर उसे बिजली के खंभे से बांध दिया। आरोप है कि इस आदमी ने पहले तो अपने मोहल्ले की औरतों से बदसलूकी की और फिर रौब दिखाने के लिए फायरिंग की, जिसके बाद मोहल्ले के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। खबर के मुताबिक लोगों ने नशे में धुत इस आदमी को पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। लोगों का गुस्सा यही नहीं थमा बल्कि उन्होंने इस आदमी के कपड़े उतार कर उसे बिजली के खंभे से बांध दिया। आरोप है कि आदमी खुद को पत्रकार बताकर मोहल्ले में अपनी धौंस जमाता था। गुरुवार की रात इसने नशे की हालत में मोहल्ले की औरतों को गालियां दी और लोगों को डराने के लिए पिस्तौल से फायरिंग की, जिसके बाद लोगों ने आपा खो दिया। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने इस आदमी को लोगों के चंगुल से छुड़ाया और बेहोश हालत में अपने साथ ले गई। जीएसटी के तहत टैक्स रिटर्न भरने के लिए कुछ बदलाव हो सकते हैं। शनिवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की एक बैठक में जीएसटी के तहत टैक्स रिटर्न्स भरने के लिए 3 की जगह 1 फॉर्म की व्यवस्था पर मोहर लग सकती है। पिछले 21 दिनों से जारी आंदोलन के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने औरंगाबाद शहर का कचरा नारेगांव में बने एक डंपिंग ग्राउंड में फेंकने पर रोक लगा दी। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हुए सहायक कमांडेंट गजेंद्र का हरियाणा के भिवानी में उनके गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आनंद पाल एनकाउंटर मामले की जांच के लिए सीबीआई के अधिकारियों ने चुरू के मालासार गांव में मुठभेड़ वाली जगह पर पड़ताल की। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की 2 बच्चों की नीति लागू करने की मांग वाली याचिका को सरकार का नीतिगत मामला बताते हुए खारिज कर दिया। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा उम्मीदवार जया बच्चन ने नामांकन दाखिल किया। तमिलनाडु में बीजेपी की एक महिला नेता पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एक किसान को थप्पड़ मारने और चप्पल दिखाने का आरोप लगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को AIADMK के एक गुट की अगुवाई कर रहे TTV दिनाकरण को चुनाव चिन्ह के तौर पर प्रेशर कुकर देने और उनकी पार्टी को पसंद का कोई एक नाम देने का निर्देश दिया। श्रीलंका में खेली जा रही 3 देशों की T20 सीरीज के अपने दूसरे मैच में टीम इंडिया ने वापसी करते हुए बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा दिया। चंडीगढ़ में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला पहलवान नवजोत कौर को 5,00,000 रुपए देते हुए DSP बनाने का ऐलान किया। ICC ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर टूर्नामेंट में खेल रहे जिम्बाब्वे के फास्ट बॉलर ब्रायन विटोरी को संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट से सस्पेंड कर दिया। ब्रिटेन की एक कोर्ट में 1984 में अमृतसर में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक करने पर सुनवाई हुई, जिसके बाद जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार से जुड़े दस्तावेज गोपनीय रखने की दलील देते हुए कहा कि भले ही उस घटना को बीते 30 साल हो गए हैं, लेकिन उससे जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करने से ब्रिटेन की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है, साथ ही भारत और ब्रिटेन के रिश्तों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। ब्रिटेन के अधिकारियों ने इस मामले को राजनीतिक तौर पर अति संवेदनशील बताया। वहीं याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि ये बात सामने आनी चाहिए कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में ब्रिटिश सेना ने भारत की मदद की थी या नहीं।
हालांकि ब्रिटेन की सरकार 2014 में ही यह साफ कर चुकी है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान सेना ने भारत को सिर्फ सलाह दी थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में कुछ लोग एक मकान के बाहर जाल लगाते दिखाई दिए, क्योंकि पास के जंगल से रिहायशी इलाके में पहुंचा एक तेंदुआ एक मकान के अंदर छिप गया। जिसकी जानकारी मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल लगाया। इसी दौरान तेंदुए ने भागने की कोशिश की। और मकान के एक किनारे पर जाल बांध रहे वन विभाग के कर्मचारी पर हमला कर दिया। अचानक हुए तेंदुए के हमले से वो संभल नहीं पाया और जमीन पर गिर गया। इसके बाद तेंदुआ एक गली में भाग गया। तेंदुए के हमले से इलाके के लोग दहशत में आ गए और जान बचाकर भागने लगे। हालांकि काफी देर की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम तेंदुए को बेहोश करने में कामयाब रही और उसे पकड़ा जा सका। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने सूर्य की गर्मी पर नए तरीके से रिसर्च शुरू करने की योजना बनाई है। खास बात यह है कि इस रिसर्च में आम लोगों को भी शामिल किया जाएगा। इस नई रिसर्च के लिए नासा के वैज्ञानिक एक स्पेस क्राफ्ट को सूर्य की सतह के पास भेजेंगे। सूर्य से धरती की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर, जबकि ये स्पेस क्राफ्ट सूर्य के इतने करीब तक जाएगा कि फासला 1 किलोमीटर से भी कम रह जाएगा। ये स्पेस क्राफ्ट जब सूर्य के सबसे करीब होगा तब स्पेस क्राफ्ट सूर्य से 65 लाख किलोमीटर दूर होगा। स्पेसक्राफ्ट एक खास तरह से सूर्य ये स्पेसक्राफ्ट एक खास तरह के कार्बन की 4.5 इंच मोटी चादर से बना होगा, जिसकी वजह से सूर्य के इतने करीब पहुंचकर भी ये सूर्य की तेज गर्मी का सामना आसानी से कर लेगा। दावा किया जा रहा है कि स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार करीब 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रहेगी। इस रफ्तार से चलते हुए सूर्य के करीब तक पहुंचने में स्पेसक्राफ्ट को 8 से 9 दिन का वक्त लगेगा। नासा के वैज्ञानिकों की तरफ से इसको मिशन 31 जुलाई को शुरू किया जाएगा और योजना यह है कि स्पेसक्राफ्ट में कुछ आम लोगों को भी ले जाया जाए, जिसके लिए नासा ने लोगों से ऑनलाइन आवेदन मांगे। ऑनलाइन आवेदन देने की आखिरी तारीख 27 अप्रैल रखी गई है। हालांकि कितने लोगों को मिशन में शामिल किया जाएगा और स्पेसक्राफ्ट में कितने लोगों के बैठने की जगह होगी, ये अभी तक साफ नहीं है। यूपी में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। सुल्तानपुर में 50,000 के इनामी बदमाश अजय सिंह उर्फ अजय सिपाही ने आत्मसमर्पण कर दिया। अजय पर सुल्तानपुर अंबेडकर नगर समेत कई थानों में हत्या रंगदारी समेत कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। अभी हाल ही में पुलिस प्रशासन ने अजय सिपाही पर 50,000 का इनाम घोषित किया था। वहीं बागपत की एसओजी टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है। स्वाट टीम ने पश्चिम यूपी के मोस्ट वांटेड 1 लाख के इनामी बदमाश अजीत हप्पू को गिरफ्तार कर लिया। 2 साल से पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहा कुख्यात बदमाश को स्वाट टीम ने राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। अजीत हप्पू पर लूट रंगदारी हत्या के कुल 26 मुकदमे दर्ज हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस की मौजूदगी में कुछ लोग सफेद चादर से ढकी अंबेडकर की मूर्ति को जमीन से निकालने लगे। आरोप है कि कुछ शरारती लोगों ने गांव की जमीन पर लगी अंबेडकर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया, लिहाजा अंबेडकर की मूर्ति को सफेद चादर से ढक दिया गया और मौके पर एसडीएम समेत पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए। अंबेडकर की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की खबर के बाद मौके पर लोगों की भीड़ भी जुट गई। ऐसे में पुलिस ने पहले लोगों को समझाया और बाद में नई मूर्ति मंगवाकर उसे स्थापित करवा दिया। तो गाँव के मौजूद सम्मानित लोग हैं, वो लोग बैठे, उन्होंने कहा कि इस मूर्ति की जगह पर हम दूसरी मूर्ति लगा देंगे। नई मूर्ति लगाए जाने के बावजूद लोगों की नाराजगी कम नहीं हुई। आरोप है कि जिस जमीन पर मूर्ति लगी थी उसे लेकर दो पक्षों में काफी समय से विवाद चल रहा था, जिसका केस पहले से ही कोर्ट में चल रहा है। गांव वालों का आरोप है कि दूसरा पक्ष हर बार उनकी मूर्ति को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आरोप है कि पुलिस उनकी कोई मदद नहीं करती। हमारी बेइज्जती कर रही है, इसमें कोई सरकार हमारा कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। हालांकि हंगामा बढ़ने के बाद प्रशासन ने मामले में जांच का भरोसा देते हुए कार्रवाई की बात कही। वहीं त्रिपुरा, केरल और तमिलनाडु के बाद उत्तराखंड में हुए मूर्ति कांड के बाद सियासत तेज हो गई। इनमें दलित वोट बैंक पर नजर जमाए एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, जिन्होंने मूर्तियां तोड़े जाने की निंदा करते हुए सरकार पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। स्टैचू चाहे किसी का भी हो, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, इनको सजा दे तभी जाकर ये रुकने वाला है। वहीं लालू यादव ने मूर्तियां तोड़े जाने के लिए पीएम को जिम्मेदार ठहराया। नरेंद्र मोदी देश भर में तमाम मूर्तियों को ढहवा करके अपना मूर्ति लगाना चाहता है। जाहिर है मूर्तियां तोड़ने को लेकर बयानों की सियासत जारी है, लेकिन बेहतर होता कि इसे रोकने की कोशिश की जाती।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के एक कार्यक्रम में नजर आए। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और सीएम योगी के औरंगजेब के बयान पर उन्हें घेरा और सवाल पूछा कि पिछले एक साल में यूपी में कितना काम हुआ। तो याद क्यों करते हैं औरंगजेब को? हम केवल जानना चाहते हैं आपसे कि आपने बिना ऑक्सीजन के बच्चों को मरने दिया। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सीएम योगी ने जनता को धोखा देने का काम किया है। कोई मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती वो सदन में कहे कि मैं हिंदू हूँ, मैं ईद नहीं मनाता। इससे पहले गोरखपुर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर तंज कसा था और सवाल पूछा था कि क्या आप दोबारा औरंगजेब का शासन चाहते हैं? प्रदेश के अंदर हमें सुशासन चाहिए, प्रदेश के अंदर हमें विकास चाहिए, प्रदेश के अंदर हमें औरंगजेब का शासन नहीं चाहिए। साफ है कि यूपी में उपचुनाव को लेकर सियासी गर्माहट बढ़ी हुई है। महाराष्ट्र के ठाणे की एक सड़क पर लाल टोपी पहने सैकड़ों किसानों के आगे दो किसान बीन बजाते दिखे। ये किसान कर्ज माफी के लिए हो रहे पैदल मार्च में शामिल हैं, जिसका मकसद मुंबई पहुंचकर विधानसभा का घेराव करना है। और नासिक से शुरू हुए पैदल मार्च में शामिल किसान नाचते गाते और बीन बजाते ठाणे जिले के शाहपुर तक आ पहुंचे। ये मार्च सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के किसान संगठन ऑल इंडिया किसान सभा की अगुवाई में हो रहा है, लिहाजा सीपीआई के झंडे के साथ लाल टोपी पहने किसानों के जमा होने से सड़क के किनारे लाल समंदर जैसा नजारा दिखने लगा। किसानों ने चेतावनी दी कि सरकार ने उनकी मांग न मानी तो मुंबई में लाखों किसान डेरा डाल देंगे। हम तो निकल पड़े हैं, महाराष्ट्र के गांव-गांव से किसान आएंगे, रैली में जुटेंगे और जो विधानसभा का घेराव होगा लाखों की तादाद में लोग जुटेंगे। इन किसानों की मांग बिना शर्त कर्ज माफी, बिजली बिल में छूट और माफी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करना और एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। क्योंकि ऑल इंडिया किसान सभा का दावा है कि महाराष्ट्र सरकार ने कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं किया, जिससे किसानों की खुदकुशी का सिलसिला नहीं थम रहा। किसानों का ये पैदल मार्च सोमवार तक मुंबई पहुंच जाएगा। लेकिन सत्ताधारी बीजेपी का दावा है कि मार्च में शामिल ज्यादातर लोग किसान हैं ही नहीं और महाराष्ट्र से जो कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, कहीं ना कहीं किसानों को आगे करके वे अपने पार्टी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर विपक्ष भी सरकार को आईना दिखाने से पीछे नहीं हटा। लाखों की संख्या में जब किसान रस्ते पे उतर रहे हैं तो बिना नाराजगी के कोई थोड़ी रस्ते पे उतर। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने सरकार के रुख में नरमी के संकेत दिए। सभी किसानों को जो लोन जो है वो माफ करने का जो वादा किया है वो वादा पूरा करने का काम जरूर राज्य सरकार का करेगी। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि मार्च के मुंबई पहुंचने से पहले ही सरकार किसानों की कुछ मांगों को मान सकती है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में विकास खंड कार्यालय के अंदर कुछ महिलाएं एक आदमी से मारपीट करती नजर आईं। आरोप है कि गांव के कोटे के चयन को लेकर महिलाएं वहां पहुंची थी और इस दौरान अधिकारी से विवाद हो गया, जिसके बाद महिलाओं की भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया और ये सब होता रहा वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के सामने। इस बीच एक महिला ने विकास खंड अधिकारी विजय प्रताप सिंह पर छेड़खानी का आरोप भी लगाया, जिसके बाद वहां जमकर तोड़फोड़ भी हुई। हंगामा करने वाली महिलाएं सरजम गांव की रहने वाली है, जो गांव में कोटे के चयन को लेकर बैतालपुर विकास खंड दफ्तर पहुंची थी और इसी बीच अधिकारी विजय प्रताप से विवाद हो गया, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। हालांकि इसके बाद पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत करवाया। आदमी का लिए से बंद वाली था, वही पे का करनी है, ब्लाउज हमारे फाड़ देनी है। वही विकास खंड अधिकारी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। देखिए, हमारी छवि को जनपद के सारे अधिकारी जान रहे हैं कि कितने साफ सुथरे छवि वाले हैं। इस हंगामे और तोड़फोड़ की वजह से दफ्तर को बंद कर दिया गया और इस बीच सैकड़ों की संख्या में लोग दफ्तर के बाहर भी हंगामा करते नजर आए। राजस्थान में बच्चियों के गैंगरेप पर फांसी की सजा मिलेगी। राजस्थान विधानसभा में 12 साल तक की बच्चियों के रेप और गैंगरेप करने वालों को फांसी की सजा देने वाला ऐतिहासिक बिल पास हो गया। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने राज्यसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल से कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को समर्थन देने का ऐलान किया। यूपी के सुल्तानपुर में बिजली विभाग ने करोड़ों के बकाया बिल का भुगतान न करने के आरोप में कई सरकारी विभागों की बिजली काट दी। बिहार में शराबबंदी के बावजूद पुलिस ने जमुई में एक कार से बड़ी मात्रा में शराब की खेप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार के हाजीपुर में एक शहीद के परिवार ने मुआवजे का चेक नाकाफी बताकर लौटा दिया था, जबकि जांच में पता चला कि चेक सरकारी खजाने में नहीं पहुंचा और राशि का भुगतान हो गया। कांग्रेस ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर जोड़ने और डेटा तैयार करने के लिए राजस्थान समेत देश भर में प्रोजेक्ट शक्ति लॉन्च किया। विपक्ष को एकजुट करने के लिए सोनिया गांधी की 13 मार्च को होने वाली डिनर पार्टी में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी हिस्सा लेंगे।
मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में पुलिस ने दिल्ली के सिविल लाइंस थाने में जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक प्रवीण कुमार से 5 घंटे तक पूछताछ की। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने विधानसभा में ऐलान किया कि स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से भावनगर जिले में अब न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट नहीं बनाया जाएगा। मशहूर सूफी गायक पद्मश्री पूर्णचंद वडाली के छोटे भाई प्यारे लाल वडाली का दिल का दौरा पड़ने से अमृतसर के एक अस्पताल में निधन हो गया। खबर है कि बोनी कपूर श्रीदेवी की जिंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले हैं जिसे शेखर कपूर डायरेक्ट कर सकते हैं। मॉडल अर्शी खान पर 40,000 रुपए न चुकाने का आरोप लगाने वाले पुजारी पर अर्शी खान ने यौन शोषण का केस दर्ज करवाया। दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में कुछ पुलिस वाले एक पीसीआर वैन की जांच करते नजर आए। आरोप है कि इसी पीसीआर वैन के अंदर एक एएसआई ने खुद को सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार ली, जिसके बाद गंभीर हालत में एएसआई हनुमान साहे को आरएमएल अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 52 साल के हनुमान साहे पिछले कुछ सालों से डिप्रेशन में चल रहे थे। कई बार वो नौकरी छोड़ने की बात कर चुके थे और शुक्रवार को ड्यूटी के समय कश्मीरी गेट इलाके में उन्होंने अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। स्टाफ है उन्होंने बताया उनका वर्जन है कि डिप्रेशन का कुछ मामला था। एएसआई हनुमान साहेब बुराड़ी के संत नगर में रहते थे, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली के लाजपत नगर में सीएम अरविंद केजरीवाल कारोबारियों के बीच नजर आए। केजरीवाल सीलिंग के मुद्दे पर व्यापारियों का समर्थन करने पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ उनकी लड़ाई में पूरा साथ देने का भरोसा दिया। इस दौरान उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया, अगर 31 मार्च तक सीलिंग का समाधान नहीं निकला तो केजरीवाल भूख हड़ताल पे बैठेगा। केजरीवाल की बात सुनकर उनके सामने मौजूद व्यापारी उनसे मदद की गुहार लगाने लगे। इससे पहले काफी तादाद में व्यापारी सीलिंग के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करने सड़क पर उतरे। केजरीवाल के आते ही वो अपना दर्द उनके सामने बयां करने लगे। इस दौरान मुख्यमंत्री सबकी शिकायत सुनते रहे। शिकायत सुनने के बाद केजरीवाल ने केंद्र से सीलिंग पर अध्यादेश लाने की अपील की। यही नहीं, उन्होंने दिल्ली विधानसभा से प्रस्ताव पास कराने का भी भरोसा दिया। लेकिन इसी दौरान भीड़ में मौजूद कुछ लोग उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी का जवाब देने के लिए फौरन आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मोर्चा संभाला। हंगामे के बीच अरविंद केजरीवाल ने व्यापारियों को सीलिंग के मुद्दे पर पीएम मोदी को भी चिट्ठी लिखने का भरोसा दिया। मध्य प्रदेश के हरदा से 4 शिकारी गिरफ्तार किए गए। मध्य प्रदेश के हरदा में जंगली सुअर के शिकार करने के आरोप में वन विभाग ने बंदूक के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के करनाल में बाइक सवार बदमाश दुकान में बैठी महिला के गले से सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। हरियाणा के नूह में म्यांमार से आए शरणार्थियों की झुग्गियों में आग लगने से लाखों का सामान जल गया। राजस्थान में बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ का एक जवान संदिग्ध हालत में गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद उसे श्रीगंगानगर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजस्थान के सीकर में पानी का बोरिंग चलाने को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। झारखंड के हजारीबाग में पुलिस और सीआरपीएफ ने छापा मारकर 3 नक्सलियों को गिरफ्तार कर उनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद कर लिए। जम्मू की किश्तवाड़ में अज्ञात बदमाशों ने एक होटल व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बिहार के मोतिहारी में जंगल में लड़के लड़की के शव मिलने के बाद पुलिस ने प्रेम प्रसंग में आत्महत्या की आशंका जताई। हरियाणा के चरखी दादरी में 12वीं की परीक्षा के समय परीक्षा केंद्र के बाहर व्हाट्सएप के जरिए नकल करवाते 3 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। यूपी की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन दफ्तर के बाहर कई कर्मचारी हंगामा करने लगे। आरोप है कि सीएम हेल्पलाइन में काम करने वाले इन कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं दिया गया और अपने बकाया वेतन की मांग को लेकर इन लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई, लेकिन कर्मचारियों का विरोध जारी रहा। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 4 महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया गया और जब वेतन की मांग की गई तो आरोप है कि अधिकारियों ने उन्हें जेल भेजने की धमकी दी। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में काम करने वाले कर्मचारियों ने वेतन न मिलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। तमाम कर्मचारी हैं जो कि दफ्तर के बाहर बैठे हुए हैं। आरोप ये भी है कि वेतन की मांग कर रही कुछ लड़कियों को एक कमरे में बंद कर दिया गया था और उन्हें एक ब्लैंक पेपर पर साइन करने को कहा गया, लेकिन वेतन नहीं दिया गया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया।
और मांग की कि जब तक सीएम योगी मौके पर नहीं आते उनका धरना जारी रहेगा। इसी बीच प्रदर्शन कर रही 6 लड़कियों की हालत बिगड़ गई, जिन्हें फौरन लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जो 6 लड़कियां वहां एडमिट है, जिम्मेदार कौन है, किसी को कुछ हो गया था। कुछ कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि बीते 4 महीने से उन्हें वेतन के नाम पर सिर्फ 16 रुपए से 80 रुपए तक दिए गए। बोले कि आप लोग कुछ भी करिए, हमसे से नहीं मतलब है, पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। किसी की 14 रुपए, किसी की 280 रुपए, किसी की 70 रुपए, किसी की 90 रुपए, बाकी किसी की सैलरी नहीं है। फिलहाल अस्पताल में भर्ती सभी महिला कर्मचारियों की हालत ठीक है और उन्होंने पूरी तरह ठीक होने पर फिर से प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। बॉबी जी को भेज दीजिए। जी जी। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एक बार फिर पाकिस्तान की पोल खुली। जिनेवा में 37वें मानवाधिकार सेशन में बलोच नेताओं ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला और विश्व मंच पर पाकिस्तान को बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन का जिम्मेदार ठहराया। बलूच रिपब्लिकन पार्टी के अब्दुल नवाज बुख्ती ने कहा कि बलूचिस्तान में स्थिति खतरनाक है और दुनिया को इस मामले में दखल देना चाहिए, क्योंकि वहां पर लोगों को गायब कर दिया जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। Civilians are dying in Balochistan. I would like to highlight the burning human rights situation in Balochistan, where massive violations of basic human rights are taking place on a daily basis. Pakistani security forces abduct, torture and kill Baloch political activists and civilians on daily routine. INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कार्ति चिदंबरम पेशी के लिए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में एक बार फिर एक हाथ की मुट्ठी हवा में लहराते हुए अंदर गए। कोर्ट में कार्ति के रिमांड को लेकर जोरदार बहस हुई, जिसके बाद अदालत ने कार्ति के रिमांड 3 दिन और बढ़ा दिए। लेकिन इससे पहले कोर्ट पहुंचे कार्ति के तेवर तल्ख नजर आए। सीबीआई की तरफ से जिरह कर रहे वकील तुषार मेहता ने कार्ति चिदंबरम की रिमांड 6 दिन और बढ़ाने की मांग करते हुए कोर्ट को बताया कि सीबीआई ने 7 और 8 मार्च को आरोपियों से जुड़े दफ्तर पर रेड की, जिसमें सीबीआई को कई अहम दस्तावेज मिले और 4 हार्ड डिस्क मिली, जिनको एफएसएल जांच के लिए भेजा गया है, जिनसे बड़ा खुलासा हो सकता है। ऐसे में सीबीआई को आरोपी कार्ति और उनके सीए भास्कर रामन को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। तुषार मेहता की तरफ से रिमांड के लिए ये दलील भी दी गई कि अभी तक आरोपी ये कह रहा था कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सीबीआई की रेड में बरामद दस्तावेजों से आरोपी के तार जुड़ते हैं, लिहाजा आरोपी कार्ति चिदंबरम से पूछताछ करने के लिए सीबीआई को 6 और दिन की रिमांड चाहिए, जिसका कार्ति के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने विरोध किया। और कोर्ट में सीबीआई जांच पर सवाल उठाते हुए दलील दी गई कि सीबीआई रोज कोई ना कोई बहाना लेकर आती है कि उन्हें रिमांड चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्हें अब देश के लिए चिंता हो रही है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी एजेंसी कह रही है कि दफ्तर सीक्रेट था। इसका मतलब सीबीआई ठीक से जांच नहीं कर रही या फिर सीबीआई कुछ नहीं कर रही। कार्ति के वकील ने ये दलील भी दी कि सीबीआई को अगर आरोपी का दफ्तर पता लगाने में 1 साल लग गया, जो कि रजिस्टर्ड है, इसका मतलब सीबीआई को 10 साल लगेंगे इस मामले की जांच के लिए, लिहाजा सीबीआई को कार्ति की रिमांड नहीं मिलनी चाहिए। इसके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी ने कार्ति के ब्लड प्रेशर का हवाला देते हुए कोर्ट से उन्हें बेल देने की मांग की, जिसका सीबीआई के वकील तुषार मेहता ने विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि आरोपी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। चार्टर्ड अकाउंटेंट और कार्ति चिदंबरम को आमने सामने बैठा कर पूछताछ करना चाहती है और इस लिहाज से कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला कुछ देर के लिए सुरक्षित रख लिया और फिर थोड़ी देर बाद कार्ति की रिमांड 3 दिन बढ़ाते हुए 12 मार्च तक कर दी। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट से कार्ति चिदंबरम को ईडी की गिरफ्तारी से राहत जरूर मिली। यूपी के आगरा में एक और धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। आगरा के आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 4 में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले कई परिवारों को लालच देकर ईसाई धर्म के लोगों पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। आरोप है कि ईसाई धर्म के कुछ लोग बस्ती में पहुंचे और महिलाओं को घर और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का लालच देकर उन्हें ईसाई धर्म अपनाने को कहा। तभी किसी ने 100 नंबर पर फोन कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उनसे पूछताछ के साथ अपने साथ ले गई। कल जगदीशपुरा थाने का एक मामला सामने आया था, जिसमें एक संगठन ने आरोप लगाया कि कुछ मिशनरी गरीब तबके की जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिलाएं हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं और उनको धर्म परिवर्तन के बारे में उकसा रहे हैं। मामले की जांच की गई, मामला पुलिस तक आया है। जो मिशनरी के लोग हैं, उनसे हम लोगों ने वार्ता की तो उनका ये कहना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संदर्भ में शैक्षणिक जागरूकता का प्रसार करने के लिए वहाँ पे अपना कार्यक्रम कर रहे थे। उनको महिला को बैठा के, जेंट्स को बैठा के, सब लोग बैठा, उसने समोसा खिलाया। बाकायदा समोसा खिलाने के बाद तो बताया तुम अपना धर्म बल देना, हम अपने धर्म में तुझको रखेंगे, बाकायदा तुम्हारे बच्चों को शिक्षा देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, सब करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे।
कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखे हमले किए। एक निजी चैनल के कार्यक्रम के दौरान सोनिया गांधी ने दावा किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी होगी। यही नहीं, कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार को जुमलों की सरकार करार दिया। इसके अलावा सोनिया गांधी ने यह भी दावा किया कि इंडिया शाइनिंग की तरह अच्छे दिन के नारे को भी जनता नकार देगी। इसी कार्यक्रम में सोनिया गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई गई। कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि पार्टी ने चाहा तो वो 2019 का चुनाव लड़ सकती है। मोदी सरकार अब जुमलों की सरकार है। मोदी सरकार एक दिन में 100 झूठ बोलती है, 1000 झूठ छुपाने के लिए, और झूठ बोलो ताकि और झूठ छुपाई जा सके। यही प्रधानमंत्री जी का चाल चेहरा और चरित्र बन गया है। सोनिया गांधी के संसद में विपक्ष को नहीं बोलने देने के आरोपों पर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी सामने आकर जवाब दिया। All of you see what is the condition. Even myself, nobody is allowing me to speak. दिल्ली के नरेला में गोली लगने से एक लड़का घायल हो गया। आरोप है कि बीती रात शाहरुख नरेला की पुरानी अनाज मंडी के सामने पार्क में मौजूद था, तभी वहां कुछ लोग पहुंचे और उसे गोली मार दी। शाहरुख के सिर में गोली लगी जिससे उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस को मौके से रिवॉल्वर मिली है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पश्चिम बंगाल के हुगली में कई लोग सफेद रंग की शर्ट पहने एक आदमी को बुरी तरह पीटते नजर आए। ये लोग टीएमसी कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, जिनकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति का शुद्धिकरण करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं से एक बार फिर झड़प हो गई, जिसके बाद सरेआम जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने शुद्धिकरण करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक को पकड़ लिया और फिर उसे जमकर पीटा। हालांकि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने अपने साथी को बचाने की कोशिश की, लेकिन टीएमसी कार्यकर्ताओं के आगे उनकी एक न चली। टीएमसी कार्यकर्ताओं से बचने के लिए मार खा रहा बीजेपी कार्यकर्ता बाजार के गलियारे में घुस गया। फिर भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस दौरान बाजार में मौजूद लोग तमाचबीन बने रहे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से काफी देर तक हंगामा होता रहा। हालांकि हंगामे से पहले बीजेपी कार्यकर्ता दूध और गंगा जल से कतार में लगी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्तियों का शुद्धिकरण कर चुके थे। कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्टैचू को उन लोगों ने अपवित्र किया है, तोड़ा है, उनके सम्मान रक्षा के लिए गंगा जल और दूध से उसका अभिषेक करें। टीएमसी कार्यकर्ताओं के इस रवैये के बाद बीजेपी ने एक बार फिर राज्य सरकार को निशाने पर लिया। और बंगाल में आज जो स्थिति है, वास्तव में यहाँ विरोधियों की कोई सम्मान नहीं है। गुरुवार को भी कोलकाता में शुद्धिकरण कार्यक्रम के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई थी। तो वहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी के खिलाफ पत्नी हसीन जहां के आरोपों के बीच उनके पूर्व पति ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत की। इसमें हसीन जहां के पूर्व पति शेख बाबू ने बताया कि वो अपने इतिहास के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते, क्योंकि 2014 में हसीन उन्हें छोड़कर चली गई थी और इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। दोनों की 2001 में शादी हुई थी। तो वहीं हसीन जहां के वकील ने न्यूज 18 इंडिया से कहा कि मोहम्मद शमी पर मैच फिक्सिंग का कोई आरोप नहीं लगाया गया है और हसीन जहां के बयान को गलत तरीके से लिया गया है। हसीन के वकील जाकिर हुसैन ने देवर के साथ संबंध के आरोपों से भी इनकार किया है और दोनों के बीच भाई बहन जैसा रिश्ता बताया है। कहां से खबर मिला मेरे को पता नहीं है, जो छोटा देवर के साथ रेप करने की कोशिश किया है, सरासर गलत है। बड़े भाई के साथ आपने कोई आरोप है? देखिए, बड़ा भाई के साथ जो आरोप है वो तो कंपटीशन ऑफ कंप्लेन में है ही, लेकिन आपको जानकारी देने के लिए बता रहा है कि आज तक मेरे क्लाइंट का साथ, हसीन का साथ, उसका छोटा देवर का रिलेशन बहुत स्वीट रिलेशन है। एक सिस्टर को, एक भाभी को, एक बोधी को जैसा अच्छा रिलेशन एक देवर के साथ होना चाहिए, वैसा ही रिलेशन है। मीडिया के एक सेक्शन में इस तरह की खबर उठाई गई, ये हो सकता है कि कोटेड या मिसकोटेड है, कि मैच फिक्सिंग पर जो है हसीन जहां ने सवाल उठाए थे, क्या इस बारे में आपको कोई मालूमात है? मैच फिक्सिंग को लेकर आपके क्लाइंट ने कुछ कहा है? सर, ये इसी के बारे में आई एम स्ट्रांगली अपोज, ये मिसकोटेड है। अगर जो यहाँ लिख सकता है, यहाँ बोल सकता है, तो वह हम अपना लेटर ऑफ कंप्लेन में नहीं लिखेंगे। सारा सार झूठी है और मिसकोटेड है, बेबुनियाद है। मेरे क्लाइंट कभी भी मैच फिक्सिंग के बारे में बताया नहीं, सिर्फ उनको कैरेक्टर की मत बताया
सिर्फ उसको एडल्टरी के बारे में बताया और जो पर्सनली उसका साथ हुआ है इसके बारे में बताया। बिहार के आरा जेल में एक कैदी मोबाइल पर बात करता दिखा, जिसका वीडियो न्यूज 18 इंडिया को मिला है। आरा जेल के ऐसे तमाम वीडियो सामने आए जिनसे साफ होता है कि जेल में कैदियों को गैर कानूनी सुविधाएं मिलती हैं और वो खुलेआम नशेबाजी करते हैं, जिसका बड़ा सबूत न्यूज 18 इंडिया को मिला। ये वीडियो है जिसमें एक कैदी बेफिक्र होकर मोबाइल फोन पर बात करता दिखा। एक और वीडियो में काली टी शर्ट पहने हुए एक कैदी नारंगी शर्ट पहने कैदी के पास से गुजरा, लेकिन वो भी बिना किसी डर के फोन पर बात करता दिखा। जेल में अपराधियों की मौज के सबूत का एक वीडियो ये भी है जिसमें कैदी खुलेआम तंबाकू खाते दिखे। वहीं एक वीडियो में एक कैदी बेखौफ होकर चिलम से नशा करता भी दिखा। आरा जेल के ऐसे तमाम वीडियो सामने आए हैं जिन्हें देखकर जेल जेल नहीं लगती बल्कि कैदियों की ऐशगाह नजर आती है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पतंगराव कदम नहीं रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भारतीय विद्यापीठ के संस्थापक पतंगराव कदम का मुंबई की लीलावती अस्पताल में निधन हो गया। राजस्थान के बीकानेर में शादी करने के बाद एक दुल्हन कॉलेज पहुंची और परीक्षा दी। राजस्थान के अजमेर में रेलवे अस्पताल के पीछे झाड़ियों में लगी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। यूपी के महोबा में एंटी करप्शन की टीम ने किसान की शिकायत के बाद उद्यान विभाग के सहायक निरीक्षक को 12,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पारिश्रमिक में 10% की कटौती से खफा शिक्षकों ने कॉपी जांचने से इनकार किया। झारखंड के रामगढ़ में मालखाने में आग लगने से कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। झारखंड के धनबाद में ज्योति दिव्यांग स्कूल के 2 नाबालिग छात्रों ने स्कूल के शिक्षकों पर मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगाया। हैदराबाद में नाबालिग लड़की के रेप के आरोप में पड़ोसी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। तमिलनाडु के चेन्नई में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के एक छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। यूपी के कानपुर में अवैध पिस्तौल के साथ डांस करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। संसद भवन परिसर में सिर पर साफा बांधे और हाथ में पोटली वाली लाठी पकड़े टीडीपी के सांसद एन शिवप्रसाद अचानक सीटी बजाने लगे। एन शिवप्रसाद ने सीटी बजाकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पर प्रदर्शन किया। इसके बाद शिवा प्रसाद अपने बाकी साथियों के पास पहुंचे और वहां भी अपनी मांगों को लेकर नारे लगाने लगे। विशेष राज्य के मसले पर टीडीपी कोटे के 2 मंत्री केंद्र सरकार से इस्तीफा दे चुके हैं और टीडीपी ने साफ किया कि वो अपनी मांग से पीछे नहीं हटेगी। The second step is going on. Rajyasabha will not allow to continue. Chandrababu Naidu and all political leaders discussion and taken an appropriate time. हालांकि टीडीपी सरकार छोड़ देने के बाद भी अब तक एनडीए में बनी हुई है और सूत्र दावा कर रहे हैं कि वो केंद्र पर अपनी मांगे मान लेने का दबाव बना रही है। वहीं आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर वाईएसआर कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाला और उसके सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर संसद भवन के परिसर में नारेबाजी की। इस दौरान वाईएसआर कांग्रेस के सांसद विजय साई रेड्डी ने टीडीपी और सीएम चंद्रबाबू नायडू पर राजनीति करने के आरोप लगाए। When they have resigned from the cabinet and lost the confidence, they should also come out of NDA. हालांकि बीजेपी ने इस मुद्दे पर सफाई देते हुए वाईएसआर कांग्रेस और कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया तो वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मुद्दे को चर्चा से सुलझाने की बात कही। टीडीपी ने स्वयं कहा कि एनडीए नहीं छोड़ रहे हैं, उनकी नाराजगी है, वो बैठकर चर्चा हो जाएगी। टीडीपी का सारा विरोध आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने की वजह से है, लेकिन जानकारों का दावा है कि इस विरोध की असल वजह अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव है। फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मुंबई पुलिस ने समन भेजा है। सिद्दीकी को पत्नी की जासूसी कराने के आरोप में समन भेजा गया है। अवैध तौर पर हाई प्रोफाइल लोगों के मोबाइल नंबर के कॉल्स डिटेल निकालकर उसे बेचने वाले रजनी पंडित को थाने क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। थाने पुलिस का दावा है कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों में से एक वकील ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी के मोबाइल कॉल का रिकॉर्ड मांगा था। सूत्रों के मुताबिक साल 2016-17 में अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी का अपनी पत्नी अंजलि उर्फ जैनब से मनमुटाव चल रहा था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अपनी पत्नी पर शक था और यही वजह थी कि उन्होंने अपने वकील के जरिए आरोपी जासूस प्रशांत पालेकर से अपनी पत्नी की मूवमेंट और उसके कॉल्स डिटेल निकालते हुए CDR निकलवाया था। CDR मामले में अभी तक हमने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उसमें से 3 आरोपियों की इंट्रोगेशन के दरमियान रिजवान सिद्दीकी नामक एडवोकेट है मुंबई में, उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाइफ का जो है वो CDR निकाला गया है
इसके बारे में किस पर्पज़ के लिए निकाला है, क्या है इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए, क्या किसके थ्रू निकाला या किसने रिजवान सिद्दीकी को बोला था कि ये CBR निकलवाने हैं, इसके बारे में हमने पूछताछ के लिए और जानकारी के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनकी वाइफ और उनके वकील, इन तीनों को समन्स इशू किए हैं। पंजाब के होशियारपुर में लोगों ने एक आदमी के कपड़े उतारकर उसे बिजली के खंभे से बांध दिया। आरोप है कि इस आदमी ने पहले तो अपने मोहल्ले की औरतों से बदसलूकी की और फिर रौब दिखाने के लिए फायरिंग की, जिसके बाद मोहल्ले के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। खबर के मुताबिक लोगों ने नशे में धुत इस आदमी को पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। लोगों का गुस्सा यही नहीं थमा बल्कि उन्होंने इस आदमी के कपड़े उतारकर उसे बिजली के खंभे से बांध दिया। आरोप है कि आदमी खुद को पत्रकार बताकर मोहल्ले में अपनी धौंस जमाता था। गुरुवार की रात इसने नशे की हालत में मोहल्ले की औरतों को गालियां दी और लोगों को डराने के लिए पिस्तौल से फायरिंग की, जिसके बाद लोगों ने आपा खो दिया। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने इस आदमी को लोगों के चंगुल से छुड़ाया और बेहोश हालत में अपने साथ ले गई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत यात्रा पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर गले लगाकर मैक्रोन का स्वागत किया। आज प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रोन की दिल्ली में अहम बैठक है, जिसमें हिंद महासागर में भारत फ्रांस के बीच अहम रणनीतिक फैसला हो सकता है। रक्षा समेत कई क्षेत्रों में दोनों देश आपसी सहयोग बढ़ाएंगे और रविवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आगरा जाएंगे, जबकि सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी के साथ वाराणसी का दौरा करेंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर तैयारियां की समीक्षा बैठक ली। इसके बाद कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। प्रधानमंत्री 12 मार्च को फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री वाराणसी में बड़ा लालपुर के दीनदयाल हस्तकला संकुल जाएंगे, वहां बनारस की हस्तकला का लाइव डेमो देखेंगे। यूपी में बांदा में एक मदरसे में एक पुलिस वाला लोगों की भीड़ को पीछे हटने का इशारा करता दिखा, क्योंकि दिल्ली से NIA की टीम इस मदरसे पर छापा मारने पहुंची, जिसकी जानकारी मिलते ही जामिया अरबिया मदरसे के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुट गई, जिसे NIA की टीम के साथ पहुंचे पुलिस वाले अंदर जाने से रोकने लगे, जिससे नाराज लोगों ने मदरसे के बाहर हंगामा शुरू कर दिया और पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया। पुलिस वालों के द्वारा बदतमीजी की गई यहाँ पे। हालांकि बाद में मदरसे से जुड़े लोगों ने भीड़ से शांत रहने की अपील की। सूत्रों का दावा है कि NIA की टीम कश्मीर के रहने वाले जामिया अरबिया मदरसे के पूर्व छात्र आसिफ को लेकर वहां पहुंची थी। आसिफ को कुछ दिन पहले NIA ने संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसके मोबाइल फोन और लैपटॉप से मिली जानकारी की जांच के लिए NIA ने मदरसे पर छापा मारा और मदरसे में पढ़ रहे 8 कश्मीरी छात्रों समेत दूसरे लोगों से पूछताछ की। कहाँ के बच्चे, कितने हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कितने दिनों से हैं, उनकी ID देखा, यही सब जांच कर रहे हैं। करीब 8 घंटे की जांच के दौरान जुटाए गए दस्तावेजों और आरोपी आसिफ को लेकर NIA की टीम दिल्ली लौट आई। नक्सली मुठभेड़ में शहीद जवान को अंतिम विदाई दी गई। छत्तीसगढ़ में नक्सली मुठभेड़ में शहीद जवान अमरेश को बेगूसराय में हजारों लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। नेपाल के बीरगंज में भारत से आने वाली हरी सब्जियों पर ज्यादा टैक्स लगाने से खफा सब्जी व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के इंदौर को लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट अरण्य की सौगात देने वाले आर्किटेक्ट बालकृष्ण वी दोषी को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार के मधुबनी में नेशनल हाईवे 57 पर ट्रक में आग लगने के बाद ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। बिहार के नवादा में पुलिस की गाड़ी के एक ड्राइवर ने गली में गाड़ी खड़ी करने पर स्कूल वैन के एक ड्राइवर के साथ मारपीट की। झारखंड के रांची में रिम्स अस्पताल में इलाज के लिए मरीज के साथ महिला ने कुछ लोगों पर रेप की कोशिश का आरोप लगाया। उत्तराखंड के रुड़की में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से 3 पिस्तौल एक कार बरामद कर ली। यूपी के मऊ में बोर्ड परीक्षा में नकल रोके जाने से खफा नकल माफिया ने जिला विद्यालय निरीक्षक दफ्तर में पदस्थ कर्मचारी को लाठी डंडों से पीट कर अधमरा कर दिया। यूपी के नोएडा में RTO ऑफिस पर 4 लाख रुपए का बिल बकाया होने के बाद बिजली विभाग ने ऑफिस की बिजली काट दी। हरियाणा में गोहाना में एक सरकारी अस्पताल के बाहर कुछ लोग एक महिला की मेडिकल रिपोर्ट दिखाते नजर आए। इन लोगों ने आरोप लगाया कि 7 जनवरी को इस अस्पताल में उनके परिवार की एक महिला का ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने उसके पेट में पट्टी का एक टुकड़ा छोड़ दिया,
जिसके बाद महिला करीब 2 महीनों तक दर्द से तड़पती रही। दावा है कि महिला के परिवार वालों ने एक निजी अस्पताल में उसकी जांच कराई, जिसमें पेट के अंदर पट्टी का टुकड़ा होने का पता चला। डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आने के बाद महिला के परिवार वाले अस्पताल के बाहर जुटे और अस्पताल प्रशासन को अपनी शिकायत दी। इसके बाद अस्पताल में महिला के पेट से पट्टी का टुकड़ा निकालने के लिए ऑपरेशन भी किया गया। प्राइवेट बाहर अल्ट्रासाउंड कराया जी मैंने, तो वहाँ पे इसको वो मिली है जी, कॉटन मिली है, अंदर पट्टी मिली है। लेकिन अस्पताल प्रशासन ने आरोपों को नकारते हुए ये दावा किया कि उनके अस्पताल में डिलीवरी के बाद ऑपरेशन की सुविधा ही नहीं है। ऐसे में डॉक्टरों पर लगे आरोप झूठे हैं। हमारे यहाँ ऑपरेशन का कोई साधन नहीं है, गर्भाशय ऑपरेशन करने का, ना पहले कभी गर्भाशय का ऑपरेशन हुआ ना अब साधन है। तो ऑपरेशन जब गर्भाशय का हुआ ही नहीं तो टुकड़ा रहने का तो सवाल ही पैदा। हालांकि लोगों के दबाव को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच का भरोसा दिया है। तो वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक महिला एक मकान के टूटे हुए दरवाजे के नीचे से खाना देती हुई दिखाई दी। आरोप है कि इस मकान के अंदर 20 सालों से एक महिला कैद है, जो मानसिक रूप से दिव्यांग बताई जा रही है। गरीबी के चलते परिवार वाले इस महिला का इलाज नहीं करवा पाए और भाग जाने के डर से महिला को मकान में कैद कर दिया। बहाने निकालते क्या हुआ था इनको? भाग जाते दिमाग है खराब। महिला का पति दिल्ली में मजदूरी करता है, वहीं उसके बच्चे गांव के ही स्कूल में 6ठी और 7वीं क्लास में पढ़ते हैं। कब से रह रही हैं? 20 साल से। तो आप भरण पोषण कैसा होता, खाना पीना कैसे चलता आपका? पापा पैसे दे दिए हैं। गांव वाले 20 सालों से महिला की चीखें सुन रहे हैं, लेकिन इस परिवार को प्रशासन की तरफ से आज तक कोई मदद नहीं मिली। लखनऊ में एक इंटरसिटी बस के पास लोगों का हुजूम नजर आया। ये बस बेकाबू होने के बाद कई गाड़ियों से जा भिड़ी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा कई लोग जख्मी हुए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि लखनऊ के हजरतगंज से चारबाग इलाके की ओर जा रही इस बस ने पहले एक कार को टक्कर मारी, इसके बाद बस की चपेट में एक साइकिल सवार आया। मौके से मिली सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि एक आदमी बस की टक्कर से फुटपाथ पर जा गिरा। इसके अलावा बस ने एक स्कूटी को भी टक्कर मारी, जिस पर एक महिला सवार थी। भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। मैंने गाड़ी तुरंत रोकी, तुरंत पहले मैंने ड्राइवर को पकड़ा जाके, ड्राइवर भाग न जाए, ड्राइवर को पकड़ के चौराहे के उस तरफ जो है पुलिस की जीप खड़ी थी, तो ड्राइवर को आपने पुलिस के हवाले? हाँ, पुलिस के हवाले मैंने कर दिया। बताया जा रहा है कि इंटरसिटी बस में कई यात्री भी मौजूद थे, लेकिन टक्कर के बाद उन सभी को सही सलामत बस से निकाल लिया गया। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन इससे पहले नाराज लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया और इंटरसिटी बस में तोड़फोड़ की। पुलिस की टीम ने समझा बुझाकर लोगों को शांत किया और एहतियातन इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। फिर भी कई घंटों तक लोगों की भीड़ सड़क पर जुटी रही। बस की टक्कर से जख्मी हुए लोगों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। हालांकि इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस इस मामले में केस दर्ज करके कार्रवाई में जुटी है। राजस्थान के झुंझुनू में चेहरे और हाथ पर दवाई लगाए एक आदमी को 2 लोग लाते हुए दिखाई दिए। आरोप है कि हाइड्रोजन गैस से भरा एक गुब्बारा फट गया, जिसकी चपेट में आने से आदमी घायल हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि इससे एक होटल की खिड़कियों में लगा कांच भी टूटकर बिखर गया। आरोप है कि पीएम मोदी के कार्यक्रम के प्रचार के लिए इवेंट कंपनी ने गुब्बारा लगाया था, लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में इलियम की जगह हाइड्रोजन गैस भर दी। आरटीडीसी का कर्मचारी जब उसे उतार रहा था तो उसमें धमाका हो गया। नीचे गिर गो, तो गैस कम होगी, गुब्बारा नीचे गिर गो, एक साइड में खींच के खड़े हो। गुब्बारा फटने की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोगों को लगा मानो कहीं बम फटा हो। शीशा सब फूट गया, भीतर अंदर का शीशा और बाहर का सारा फूट गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देने वाले ये गुब्बारे शहर में कई जगहों पर लगाए गए थे, लेकिन सस्ती गैस के चक्कर में यह हादसा हो गया। त्रिपुरा के अगरतला में नए मुख्यमंत्री बिप्लब देव शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले मिलते नजर आए। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में बिप्लब देव ने अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ ली और फिर उन्होंने मंच पर मौजूद पीएम मोदी के पैर छुए। हालांकि खुद प्रधानमंत्री ने बिप्लब देव को उठाया और गले लगाकर उनकी पीठ थपथपाई। शपथ ग्रहण के बाद बिप्लब देव ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। दुनिया के लोगों को दिल में बसता है ऐसे प्रधानमंत्री जी, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं नमन करता हूँ। त्रिपुरा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल के नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार के साथ बैठे नजर आए। माणिक सरकार से मिलने खुद प्रधानमंत्री भी गए और फिर उन्हें बुलाकर मंच के पीछे ले गए, जहां उन्होंने थोड़ी देर माणिक सरकार से बात की और फिर नए मुख्यमंत्री बिप्लब देव को भी मंच के पीछे बुलाया। इस दौरान बिप्लब देव ने माणिक सरकार के भी पैर छुए और फिर थोड़ी देर बातचीत के बाद तीनों नेता मंच पर वापस आ गए। इसके बाद पहले अमित शाह ने शपथ ग्रहण में आए लोगों को संबोधित किया, फिर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में सबसे पहले नई सरकार को बधाई दी। मुख्यमंत्री जी, उपमुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी नई टीम को
बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लगे हाथ पीएम ने विकास के लिए नई सरकार को पुरानी सरकार के अनुभव से मदद लेने की सलाह भी दी। जो विपक्ष में है उनके पास अनुभव है, जो सत्ता पक्ष में आए हैं उनके पास उत्साह है, उमंग है, सपने हैं। त्रिपुरा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है, लिहाजा इस शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री और गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे, जिन्होंने त्रिपुरा की नई सरकार को बधाई देने के साथ इस जीत के लिए प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष की तारीफ की। ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उन पर विश्वास, एक नेतृत्व, एक बड़ा हमारे पास नेतृत्व है। नई सरकार के वजूद में आने के साथ ही न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में राज्य के उप मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार का एजेंडा साफ किया। त्रिपुरा में डेवलपमेंट लाना सचमुच। उप मुख्यमंत्री ने राज्य में हाल में हुई मूर्ति तोड़ने की घटनाओं की निंदा की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। आज की ताजा खबर में इतना ही।